और इधर भी पैनल गैप आना स्टार्ट हो गया है। तो अपनी ओला भी ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो अभी जा रही है सर्विस सेंटर यहाँ से। तो भैया लोग आ रखे है, तो अपनी ब्लैक ब्यूटी जा रही है, इसका इलाज होएगा फिर ठीक होके आएगी ये। बाय बाय कर दो भाई, चल गाड़ी गई भाई। कब मिलियो, कब मिलियो? दो तीन बात, दो दिन बाद। What's up everyone, this side is Akash Gurung, welcome to another new vlog once again, welcome back to my YouTube channel Gurung Brothers. So alright guys, so कैसे हैं आप लोग? I hope सब लोग अच्छे में अच्छे ही रहना। एंड गाइज, आप लोग थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किसके ऊपर होने वाला है। एंड बट ये व्लॉग भाई साहब क्लिक बेट नहीं है, आप सोच रहे हो क्लिक बेट है, किसी और की फोटो उठा के इसने थंबनेल लगा दी। भाई ये जो भी सीन हुआ है ना मेरे साथ हुआ है, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी दिक्कत आई है थोड़ी मेजर दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी दिक्कत है। एंड देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितनी जल्दी निकलता है एंड कितने दिन के लिए अपनी ओला जाएगी, देखते हैं। अभी तो टो करने आएगी, अभी कंप्लेंट मैंने कर दी है एंड अभी आने वाले हैं 19 से 20 मिनट के अराउंड, तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ गाइस। एंड देखते हैं कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। बट अभी जो ना मेरे हिसाब से जो उसके फीचर्स है ना, उसकी परफॉर्मेंस है भाई एक नंबर की है। इस स्कूटर का भाई साहब कोई भी तोड़ नहीं है, कोई भी भाई साहब इसके आसपास नहीं दिखता। इसके फीचर्स में से ले लो, इसके लुक से ले लो एंड इसके सस्पेंशन, इसके पावर्स, इसकी परफॉर्मेंस हर चीज़ में ले लो, बट ये एक चीज़ में भाई साहब इसने दिल तोड़ दिया, जो थी बिल्ड क्वालिटी। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ना भाई साहब बहुत ज़्यादा बेकार है। एंड जो पीछे का जो ग्रैब हैंडल होता है ना, बोले तो जो पिलियन बैठता नहीं है या पीछे जिसको पकड़ता है पिलियन, ग्रैब रेल आई थिंक उसको ग्रैब रेल बोलते थे ना, कुछ और बोलते हैं, बट जो भी होता है उसको जो पीछे पकड़ते हैं भाई, वो जो ओला का है ना बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है। मैंने हल्का सा पकड़ के अपने ओला को हल्का सा साइड में करा भाई साहब, वो पूरा ही हिलने लग गया, देख सकते हो स्क्रीन में। एंड गैप भी बहुत ज़्यादा आ गया है उसमें एंड बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है। मैंने पहले ही कंप्लेंट करी थी, पहले एक बंदा आके देख के गया, उससे ठीक नहीं हुआ, उसने बोला इसको टो करानी पड़ेगी, ये जाएगी सर्विस सेंटर में तब जाके ठीक होगी, बिकॉज उसका जो एक पार्ट था ना वो गुम हो चुका है एंड उसी पार्ट के चक्कर में अब ये सर्विस सेंटर जाएगी। एंड उस भाई ने जब वो चेक कर रहा था ना, तो मैंने देखा जो जिस सपोर्ट है ना, जो ग्रैब रेल का जो सपोर्ट दे रखा है, वो दे रखा है प्लास्टिक में, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी दे रखा है। एटलीस्ट ना जो सपोर्ट देना चाहिए था ना, वो देना चाहिए था, इनको रॉड में देना चाहिए था, थोड़ी मजबूत चीज़ में देना चाहिए था। जब मैंने देखा ना भाई साहब, वो प्लास्टिक में दे रखा था। ऑब्वियसली बात है, अगर आप थोड़ा जान लायक है तो आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेरे को एक हफ्ता या 7-8 दिन हुए इसको चलाते हुए कॉन्टिन्यूस, एंड मैं डे बाई डे देख रहा हूँ ना, जब भी उसको मॉर्निंग में उठ के कहीं ना कहीं से पैनल में थोड़ा गैप आ रहा है, तो वो चीज़ भी मेरे को बहुत ज़्यादा बेकार लगी। इसकी क्वालिटी देखा जाए, कहीं से भी देखो, अगले दिन जाके देखो, अरे इधर से गैप बढ़ गया, फिर इधर से देखो भाई साहब डिस्प्ले की इधर से गैप बढ़ गया, कहीं देखो भाई साहब स्पीकर की इधर से गैप बढ़ गया, कहीं देखो भाई साहब स्टैंड के साइड की बॉडी की इधर से गैप बढ़ गया। मैं तो देख देख के परेशान हो गया, इसके गैप बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। एंड अभी देखते हैं उनका वेट कर रहे हैं कब तक आते हैं भाई लोग, एंड जब आएगी वो अपने टो करने वाले, तो देखते हैं कि उनसे पूछेगी कब तक वापस कर देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, उनका वेट करते हैं, डायरेक्ट जब वो आएगा तभी आपसे मिलते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इधर गैप आ चुका है और एक इधर पैनल गैप आ चुका है इस साइड, और इधर भी पैनल गैप आना स्टार्ट हो गया है। तो अपनी ओला भी ब्रेक डाउन हो चुकी है, तो अभी जा रही है सर्विस सेंटर यहाँ से। तो भैया लोग आ रखे हैं एंड बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड मारना एंड गट टू वाई सब्सक्राइबर। और ये छोटा सब्सक्राइबर, तू कहाँ से है, तू कहाँ से है, कहाँ से है, ऊपर से आया है, ऊपर से आना है, अंदर से पूरा वो कराऊंगा PPF, क्योंकि ब्लैक है ना, इसमें स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ेगी। मैं अभी करा रहा था, अभी था, मैंने सोचा अभी कभी वो कंपनी खोले खा ले, फिर कभी PPF फाड़ना पड़े, मैंने कहा रहना था, फिर आने के बाद ही करवाऊंगा।
और उसके सॉकर से भी आवाज आती है, वो भी बताओगा जब कंपनी वाले फोन आएगा। वैसे भैया आप लोग का तो ले जाना और देना तो होएगा ही, तो आपको तो अंदाजा होगा कि कितने दिन तक ये वापस रिटर्न कर देते हैं। ये तो एक मतलब तीन दिन में कर देते हैं वापसी। अच्छा, तीन दिन में वापस कर देते हो? आप ही आओगे या कोई और आएगा? ये तो हमारे पास अपनी 10 गाड़ियां हैं, कोई भी। अच्छा अच्छा, नंबर पड़ सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि यही गाड़ी आए। अच्छा अच्छा, तो अपनी ब्लैक ब्यूटी जा रही है, इसका इलाज होएगा फिर ठीक होके आएगी ये। फुल टेक्नोलॉजी, फुल पावर के साथ टाइट है। तो MG क्रेन सर्विस, तो ये मेरे को एक साल के लिए पैकेज मिला है विद फ्री एक्नॉलेजमेंट, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले के। जा मम्मी बुला रही, पड़ जा, चार्जर लेके जाइयो। ये देखो, इधर से भी दिख रहा होगा ये पैनल का गैप आ गया है यहाँ पे, बहुत चीज़ ऐसे बहुत पॉइंट पे गैप आ रखे हैं यहाँ पे। तो देखा जाए ओवरऑल गाड़ी तो एक नंबर की है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है। इधर से भी गैप आना स्टार्ट हो गया है, हाँ जी भैया साइन करना पड़ेगा भैया, चल रही है। ये इसका नंबर है, अगर आपको अपनी पर्सनल गाड़ी का भी कहीं से दिक्कत हो जाए, टो करानी हो तो इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये सर्विस सेंटर जा रही है ठीक होने, ये एक्नॉलेजमेंट इमरजेंसी रोड साइड, बाय बाय कर दो भाई। चल गाड़ी गई भाई, कब मिलियो, कब मिलियो? दो दिन बाद। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा फुटेज में, टो करने वाले आए थे ओला की तरफ से एंड वो ओला को लेके जा चुके हैं मेरी ब्लैक ब्यूटी को। एंड ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 3-4 दिन के लिए लेके गए, वो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी वापस कर देंगे। मोस्टली केसेस होता है 2 या 3 दिन के अंदर रिटर्न कर देते हैं, तो देखते हैं क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, कब तक आ जाएगा। बट मैंने उनसे पूछा ये प्रॉब्लम है एंड बट उन लोगों ने मेरे को बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, हमको पता नहीं है इसके बारे में, हमारा काम है छोड़ना। तो आपके पास वहाँ से खुद फ़ोन आएगा, वहाँ पे जाके उनको अपना प्रॉब्लम बता देना, वो आपको सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखते हैं क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। अगर आपको भी ओला लेनी है ना गाइस, तो भाई साहब बिल्ड क्वालिटी भाई साहब भूल ही जाओ, बेकार है, एकदम बेकार है। तो प्लीज़ अगर कंपनी को, मैं यही कहना चाहता हूँ ओला वालों को, नेक्स्ट स्कूटर निकालोगे ना प्लीज़ थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी अच्छी कर लो, बहुत ज़्यादा लो है आपकी बिल्ड क्वालिटी, डर सा लगता है भाई साहब ऑफ रोडिंग, हल्की सी पक्की रोड से कच्ची रोड में भी उतारने में डर लगता है, कभी कोई पार्ट भाई साहब गिर ना जाए, बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। एंड गाइज, आप ज़्यादा बात नहीं करते, अगर आपको भी ओला के बारे में कुछ जानना होगा ना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, यूजर नेम यहाँ पे आ रहा होगा गाइज। एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसने इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कॉमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब ये चीज़ आपके साथ हुई है या नहीं हुई है। एंड ऐसी बढ़िया सी वीडियो मिलेगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्रूम ब्रदर्स, इस वीडियो को फैला दो यारो।